नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। आपने रोगाली त्योहार के बारे में तो सुना ही होगा। रोगाली त्योहार असम में 3 बार मनाया जाता है। ये है जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर। इन 3 महीनों में रोगाली त्योहार असम में मनाया जाता है। रोगाली बिहू के नृत्य को भी अंकित करता है। कहते हैं रोगाली त्योहार जिस दिन नृत्य भी किया जाता है, लोक गीत भी गाए जाते हैं। असम में ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज जानेंगे इस वीडियो के दौरान के रोगाली त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। असम में ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि किसी भी जाति या किसी भी रंग रूप से कोई भेदभाव नहीं करता, ये त्यौहार सभी मिलकर मनाते हैं। रोगाली शब्द हमें दिवाशा भाषा से मिला है, जिसका अर्थ है कृषि करने वाला, और यह उसी के लिए ही जरूरी मानी जाती है। कहते हैं कि ये देवशाही ने पहली कृषि के लिए प्रार्थना करने के लिए यह पूजा अर्पित की थी, इसलिए जनवरी के माह में ये त्योहार मनाया जाता है और कृषि के रूप में मनाया जाता है। बिहू का पहला नाम विशु था। बी का मतलब होता है पूछना और शु का मतलब होता है पृथ्वी पर समृद्धि। कहते हैं वहाँ के रहने वाले लोगों ने इसका धीरे धीरे नाम यूज करते हुए विशु से बिहू कर दिया और इसी नाम को आज तक प्रचलित किया गया है। नाम आजकल प्रचलित है और बिहू विशु से ही मिलकर बना है। बिहू का त्यौहार कई परंपराओं से मिलकर बना है। कहते हैं कि बिहू जब बनाया जाता है तो सभी लोग उसमें आकर मिलकर खूब धूमधाम से मनाते हैं। कहते हैं कि यदि आप अप्रैल में ये त्यौहार शुरू किया जाता है तो 1 महीने तक रहता है और इसे नववर्ष की तरह ही मनाया जाता है। बिहू के त्यौहार पर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और नए व्यंजन भी बनते हैं। लोग अपने पड़ोसियों को शुभचिंतक देते हैं और उन्हें मिठाई भी बांटते हैं। कहते हैं कि इस दिन सबसे महत्वपूर्ण मिठाई होती है पीठा, जो कि इस त्यौहार पर ही बनाया जाता है। ये खास मिठाई का व्यंजन माना जाता है। बिहू का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लड़के और लड़कियां गमोसा और धोती पहनकर ही डांस करते हैं। कहते हैं कि रंग बिरंगी टोपियां भी पहनते हैं और ढोल पर डांस करते हैं। नृत्य पूरे दिन चलता है और सभी लोग, विवाहित हो या अविवाहित हो, सभी लोग मिलकर उस नृत्य में शामिल होते हैं और उस नृत्य का आनंद उठाते हैं। बड़े बूढ़े बच्चे सभी इस नृत्य में शामिल होते हैं। बिहू का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं वहाँ के लड़का हो या लड़की हो, धोती और गमोसा पहनकर और रंगीन टोपियाँ लगाकर ही नृत्य करते हैं। बिहू में नृत्य बहुत ज़्यादा प्रचलित कहा जाता है। वहाँ पर सभी, अविवाहित हो या विवाहित हो, सभी लोग मिलकर नृत्य करते हैं और उसमें बच्चे हो बूढ़े हो सभी शामिल होते हैं। इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो जाना आपने कि बिहू का त्यौहार कितना ही मज़ेदार है और कितना रंगीन है। इस त्यौहार को साल में 3 बार मनाया जाता है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त लेती हूँ।